सो गाइस, इस वक्त मैं दुबई में हूँ। हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग आउट। ये जो इंडिया के क्रिएटर्स आते हैं, आप उनको आईफोन देते हैं, ये बहुत सच की है, कितना बता दीजिए। हमारे इंडिया में कहते हैं कि कोई अगर इंडिया से आता है ना, तो ये उसको आईफोन गिफ्ट करते हैं। नहीं, वो ऐसा होता है कि जिसको हम अनाउंसमेंट करते हैं। ये लखनऊ में सबसे बड़ी क्रिएटर है, उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। मैं भी इंडिया से गई थी, तो मुझे उन्होंने वॉच दिया, राइट, मतलब आईफोन नहीं दिया। हाय गाइस, तो अभी हम लोग दुबई में एक और दिन रुक गए हैं। वैसे तो आज चले जाते, बट हमारी फ्लाइट मिस हो गई, या जो भी हुआ पता नहीं, अच्छा हुआ नहीं अच्छा हुआ, हमारी फ्लाइट कैसे मिस हो गई पता नहीं। हाँ गाइस, मैं जा रही हूँ, पता है कहाँ जा रही हूँ? मैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जा रही हूँ, क्योंकि मैं यस्टरडे भी गई थी बट वो नहीं मिले थे। आज जाती हूँ, देखती हूँ वो हमसे मिलते हैं कि आज भी नहीं मिल पाते। देख, सो गाइस, आज मैंने पहना है सिंपल ग्रीन कलर का सूट, कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बताते नहीं आप लोग, बात ही नहीं करते तो मैं कैसे बोलूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो चलो चलते हैं। तो हम जा रहे हैं गाइस घर बदल, क्योंकि टिकट नहीं है। हाँ गाइस, क्या अर्जेंट टिकट कराया ना हम लोग ने, तो यहाँ पे देखिए रूल्स है। हाँ मुझे याद है, मैं ब्लॉग बना रही जा रही हूँ ना। हाँ, हम लोग दुबई में अकेले घूम रहे हैं ना, तो रोड याद नहीं है, तो ब्लॉग बनाते जा रही हूँ तो रोड याद हो जाएंगे। चलिए जल्दी चलिए। सो गाइस, कल भी मैं यहाँ पे आई थी जमजम इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, बट मुझे मिले नहीं थे, देखते हैं आज। गाइस, तो इस वक्त मैं दुबई में हूँ, और आपको पता है मैं कहाँ हूँ? जमजम इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, और आप तो इन्हें जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मेरा भाई आपकी वीडियो बहुत ज्यादा देखता है, मेरे भाई और पापा। हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि अगर दुबई जा रही हो तो उनसे जरूर मिलने जाना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। सबसे ज्यादा मेरे पापा ही वीडियो देखते हैं और मेरा सब चीज पे फॉलो करते हैं, सब कुछ। हां, तुम जरूर जाना, तो नहीं तो बताएंगे। तो फाइनली मैं आ गई, मैं कल भी इनसे मिलने आई। क्या नाम है पापा का? संजय। संजय अंकल, आपकी बेटी आ गई है हमारे पास, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, और आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैफ भाई भी मिलने आए थे, वो आपसे मिलने आए थे लखनऊ से। हाँ, वो हमारे बाजू ही में, हमारे एरिया में, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ जाना तो मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग आउट। गाइस, अच्छा मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूं, पूछ लो ना। किशोर, आपके सारे फैंस ऐसा है कि आप लोग गिफ्ट देते हैं, जो इंडिया के क्रिएटर्स आते हैं उनको आईफोन देते हैं, ये बहुत सच की है, कितना बता दीजिए। हां, जितने भी आपके ब्लॉग्स हैं, आपकी जो फेक आईडी पे चलती है, उसमें से यही चलता है, आप आईफोन देते हैं। आप YouTube पे जाए ना, YouTube पे फॉलो करेंगे, और इंस्टा और टिकटॉक पे बहुत ज्यादा फेक चल रही है, और Facebook पे भी। YouTube पे हमारा नहीं है। ऐसा हमारे इंडिया में कहते हैं कि कोई अगर इंडिया से आता है ना, तो ये उसको आईफोन गिफ्ट करते हैं। हाँ, नहीं, तो ये बात सच ही नहीं है। नहीं, वो ऐसा होता है कि जिसको हम अनाउंसमेंट करते हैं। जिसका अनाउंस करते हैं उसको देते हैं, वैसे नॉर्मल हम लोगों को स्मार्ट वॉच देते हैं, लेकिन जो अच्छा अल्ट्रा वॉच। ये लखनऊ में सबसे बड़ी क्रिएटर है, सबसे। हाँ, और यूट्यूब पे 1 मिलियन होने वाले हैं। तो ये फ्लाइट छूट गई यार, आप सोचो तो शायद किस्मत में था मिलने का और आप लोगों को दिखाने का, तो शायद इसलिए। सो गाइस, इस वक्त मैं दुबई में हूँ, आप देख सकते हैं
जमजम इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और मेरे साथ है भाई जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आप? ठीक? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं इतनी दूर से आई हूँ, इंडिया से आई हूँ। स्पेशली मेरे पापा, मेरे भाई ने कहा था अगर मैं दुबई जाऊँ तो इनसे ज़रूर, कि इतने फेमस है, इतने फेमस है। हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि कहते हैं अगर आप इनसे मिलने आते हैं तो ये इंडिया वालों को गिफ्ट देते हैं। बेशक जी, जितने भी बच्चे आते हैं या बड़ी सेलिब्रिटी जिनका हम अनाउंसमेंट करते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। लेकिन अगर किसी को मैसेज आता है कि आपका जमजम से गिफ्ट निकला है तो वो बिल्कुल फेक होता है, क्योंकि हम जिसका गिफ्ट अनाउंस करते हैं अपनी शॉप पे बुला के। हाँ, तो आपको मैं बता दूँ इसमें फेक भी बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि ये कभी किसी को मैसेज या कॉल नहीं करते हैं। ओके, आपके पास कभी मैसेज या कॉल नहीं आएगा। अगर आपको कभी गिफ्ट मिलेगा तो ये आईडी मेंशन करेंगे आपके। सो गाइस, ये देखो आप, दुबई आए तो यहाँ ना आए तो फिर क्या ही बात है। सो गाइस, आपने देखा, ऐसा कहते हैं कि अगर आप दुबई आए हैं तो जमजम इलेक्ट्रॉनिक के यहाँ ज़रूर जाएं। और जो भी लोग इंडिया से आते हैं उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। मैं भी इंडिया से गई थी तो मुझे उन्होंने वॉच दिया, राइट, वॉच, आईफोन नहीं दिया। अरे वो मेरी फिंगर से धक्का है वो। तो गाइज, अभी हम लोग आ गए रेस्टोरेंट और आप देखिए हम लोग दुबई में हैं। दुबई में भी, अच्छा वैसे मैंने सोचा नहीं था कि दुबई में भी कोई लखनऊ का रेस्टोरेंट होगा। आ चुका है लखनवी कबाब पराठा। लखनऊ में क्या फेमस है? कबाब पराठा। हम खाते हैं ये कबाब पराठा। ओह माय गॉड। सो गाइस, ये देखिए, ये लखनवी बिरयानी है। मुझे लगा था कि दुबई में लखनऊ का खाना नहीं मिलता होगा, लेकिन दुबई में भी लखनऊ का खाना मिलता है। तो मुझे पता है मेरा फेवरेट है कबाब पराठा और बिरयानी। तो ये है यहाँ का बिल और यहाँ पे लिखा हुआ है 30 दिरहम, तो 30 दिरहम हुआ है, वैसे 49 दिरहम था आई थिंक, तो इन्होंने डिस्काउंट किया। तो आप लखनऊ से कुछ कहना चाहेंगे मेरे लोग में, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। प्लीज जब भी आए हमारे रेस्टोरेंट में आप विजिट करें। और यहाँ का खाना तो आपको पता ही है कि बिल्कुल लखनऊ से टच का है। हाँ, इसकी कोई डाउट नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगा था कि दुबई में भी लखनऊ जैसा खाना होगा। फाइनली हमें बहुत मेहनत किया गया इसके लिए, बहुत बड़ी स्ट्रगल है हम लोगों की, जो हम लोग यहाँ पे खाना लेके आए। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि कल हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। आज हम लोग 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पे जाके बैठ जाएंगे कि हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो इंडिया का टाइम और दुबई का टाइम थोड़ा सा फ़र्क है। मेरे फ़ोन में भी इंडिया का भी दिखता है और दुबई का दूसरे फ़ोन में दिखता है। छूट ही नहीं रही है। अच्छी वाली है ना, सिर्फ मैंने इसमें वीडियो नहीं बनाया। हाँ, कमेंट आ रहे थे अब दुबई गई पानी में आग लगाने वाले वीडियो जरूर बनाएगी। मेरा मन तो था कि मैं यहाँ पे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाओ पानी में आग लगानी है इस दिल पे चढ़ाई, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। दुबई में अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और इंडिया में 9 बज गए हैं। तो हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए यहीं पे नीचे। अब तो आपको नीचे दिखाते हैं चल के, यहाँ का व्यू देखेंगे आप, क्योंकि कल हमें जाना था वापस इंडिया, फ्लाइट मिस हो गई तो हम फिर से वही होटल आ गए। ये हमारा रूम है, आप देख सकते हैं। आओ, चल चलते हैं। ऑटोमेटिक लॉक डोर है। भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करना है। ये लिफ्ट है यहाँ के, है कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड पे। मैंने आज हेयर वॉश नहीं किया, लग रहा है हेयर वॉश ना। शैम्पू बहुत अच्छा है, ऐसा लग रहा है हेयर वॉश ना, हेयर में तो कड़क हो जाते बाल, चिपक जाते। स्पून्स कहाँ हैं? मुझे ये बहुत पसंद है यहाँ पे, तो मैंने ये लिया है। लेके आओ तो फिर, है ना। क्या है? आज मेरा क्लास में
the name. Sasi, you want to your Instagram ID? Yes. You want to follow you? Oh, okay. Thank you. Okay. Yes, what's your name? Simran Yadav. Simran? Yeah. Simran Yadav. Yeah. Follow us, okay? Yeah. Follow us? Okay. And follow us back. For, I hope for 15 followers. This one, 16 followers is good. Okay. So guys, यहाँ पे ब्रेकफास्ट हम करने आए हैं, ये देखिए। तो गाइस मामा मेरे लिए कुछ ला रही हैं। मामा क्या ला रही हैं? आपको जो पसंद है। ओह हाँ, पानी चाहिए? हाँ हाँ, आज जूस पियेंगे। मैंने कहा सोचा था कि मैं जूस पीऊँगी। अरे हाय, तो गाइस मैं वाटरमेलन खा रही थी क्योंकि मुझे यहाँ का वाटरमेलन बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत ही ज्यादा। अभी मैं एक और लूंगी। हाय हाय, एवरीबॉडी देयर, क्या लोगे? तो अभी मैं केक खाने जा रही हूँ, जूस पीने का मन कर रहा है, तो अभी हम जूस पियेंगे। ठीक है, ओके। ब्रेकफास्ट करके डायरेक्ट फ्लाइट के लिए चलते हैं। आज जल्दी निकल रहे, मेरी फ्लाइट मिस ना हो जाए। हाँ, बहुत देर भी हो गई, बहुत देर हो गई थी। ठीक है, चेक कीजिए फिर बताइएगा। हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है और मैं आपको बता दूँ, यहाँ का जो फूड है वो बहुत ही टेस्टी है। रोज़ सारे फूड चेंज होते रहते हैं। चलें, क्योंकि देर बहुत हो रही है। तो अभी हम अपने रूम में जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट करने के लिए हमें नीचे जाना होता है, नीचे हॉल में जो भी गेस्ट लोग रुके हैं उनके लिए नीचे चले जाते हैं। 514 तो है, मैं भूल ही गई थी। स्मार्ट की कम कम कम। मैंने वैसे तो आपको रूम दिखाई दिया था, चार्ज हो गया। 68% हो गया, अभी निकलना है ना। हाँ, तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि आज जल्दी पहुंच के हमारी फ्लाइट ना मिस हो जाए। हाँ। सो गाइस ये देखिए हमारे लगेज, हमें ऐसा लग रहा है कि फिर से वो दिन रिपीट कर रहे हैं। बस जल्दी जल्दी पहुंचते हैं। चलो बाय बाय होटल, बहुत अच्छा लगा। हमारा ऐसा ये मतलब देश ने कोई बुरा नहीं किया, बस हमारी गलती या उनकी गलती। हाँ, बस क्या हो गया कि लेट हो गया। यहाँ पे बहुत ही तगड़ा वाला रूल्स है जो कि हमारे इंडिया में इतना नहीं है, कि अगर हमारे इंडिया में लेट हो जाओ तो वहाँ पे हेल्प। गुड मॉर्निंग दुबई। सो गाइस आज हमारा लास्ट डे है दुबई में, हम जा रहे हैं यहाँ से। सो टैक्सी कर लिया हमने, टैक्सी से सीधा एयरपोर्ट। तो गाइस चलते हैं हम सीधे। सो गाइस आज हम टाइम पे हैं, मतलब हमारी आज फ्लाइट मिस नहीं होगी। बहुत जल्दी आ गए हम लोग, इंडियन मनी को दुबई की करेंसी में चेंज कराया था, तो आज हम इंडिया वापस जा रहे हैं, तो उसको भी चेंज कराने जा रहे हैं। कल हमने 15,000 रुपये का एक्सचेंज कराया था और कल से हम लोग को इतना खर्चा हो गया, पता नहीं चला सिर्फ इंडियन में कितना मिलेगा अभी। तो कितने पैसे? 4,000 तो कल तो हमने 15,000 का एक्सचेंज कराया था, उससे 3,000 रुपये मिले। आज 15,000 रुपये ऐसे गायब हो गए, एक सेकंड में पता ही नहीं चला। तो अब हम जा रहे हैं दुबई से दिल्ली, तो जो वहाँ पे खर्चा होगा वो करेंगे। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, पता नहीं चला, जब से फ्लाइट मिस हुई है ना तब से बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो अभी यहाँ से स्टार्ट होता है फ्लाइट का जो प्रोसेस। तो
गाइस हमें मिल गया है गेट D16, हमारी फ्लाइट D16 से है। सो गाइस हम जा रहे हैं। सो गाइस हम जा रहे हैं। हाँ अब हम लोग जा रहे हैं टैक्सी करके। पिन बता दीजिए मैम। 9190।